नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूँ सचिन राठौर और आज मैं आपके लिए एक और नए ट्रैक की वीडियो लेके आया हूँ और ये है आज गढ़माता ट्रैक, जो कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अश्विन मास की संक्रांति को हर साल एक यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कोविड-19 के चलते इस साल सारे त्यौहार जो है हमारे कैंसिल हो गए हैं, सारे जात्र मेले कैंसिल हो गए हैं, तो इस साल वो भी गढ़माता जात्र भी कैंसिल है। तो फिर भी हम आज संक्रांति के दिन गढ़माता जा रहे हैं। तो आज मेरे साथ देने के लिए मेरे भाई मोहित राठौर। हेलो दोस्तों। और ये भाई अंकुश राठौर। तो शुरू करते हैं हम। एक बात बता दूं, गढ़माता जाने के लिए दो ट्रैक्स हैं। अगर आप चंबा से आ रहे हो तो वाया एक है वाया तेल का और एक है वाया सलूनी। तो हम वाया सलूनी जाएंगे। तो देखते हैं आगे का पूरा, मैं आपको बताऊंगा कैसा व्यू है, बहुत मजा आने वाला है। एक बार मैं पहले भी गया हूँ, बहुत अच्छी जगह है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। माता का नाम लेके जय जय गढ़माता की जय। तो गाइस, लोनी से कॉलेज रोड पे 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये पॉइंट आएगा। यहाँ से आपने राइट तरफ को जाना है, ऊपर की तरफ को जाना है, जो कि त्रियुंदी और किलोड के लिए रोड जा रही है। तो गाइस, टीम इस वक्त लुहानी पहुंच गई है। तो गाइस, गढ़माता के लिए लोनी से दो रास्ते हैं, एक बाया त्रियुंदी और एक बाया किलोड। ये लुहानी स्कूल है और हमने लोड के लिए इसी भी रोड पे जाना है आगे, और तकरीबन 2-3 से 4 किलोमीटर की रेंज में आगे लोड है, फिर वहाँ से उसको ट्राई करना है। पहले हमने यहाँ से जाना था पर अब लेट होने की वजह से हम इसको कैंसिल करके बैटरी कैंसिल करेंगे, फिर बया लोड करेंगे। तो मिलते हैं आगे। यस। हाँ, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। और हम सारी बोतलें यहाँ पे भर के जाएंगे आगे, पानी को पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। और इस वक्त हम बीच रास्ते में हैं, काफ़ी अच्छे देवदार के पेड़ हैं यहाँ पे, डेंस फॉरेस्ट है ये हमारी एक्टिवा। तो 14 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम सलूनी से किलोड पहुँच गए हैं और 1 बजे का टाइम है। किलोड, ये मेरे पीछे किलोड रेस्ट हाउस है, ये किलोड है मेरे पीछे, ये सारी लोकेशन किलोड की है। इस तरफ को नीचे को किलोड विलेज है और हम इस तरफ से आए हैं। हमने नीचे अपनी बाइक और स्कूटी एक्टिवा पार्क कर दी है, नीचे पार्क कर दी है, अब हम अपनी हाइक शुरू करेंगे। तो गाइस, किलोड पहुंच के ये वाला पॉइंट हमने याद रखना है, जहाँ से विलेज किलोड के लिए नीचे को रोड जाती है, वहीं से ऊपर को गढ़माता के लिए हाइक शुरू। तो 1:15 है, हमने अपनी हाइक शुरू कर दी है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच गए हैं सलूनी धार। 2 घंटे लगे हमें यहाँ पहुंचने में, और अगर आपको दिख रहा होगा तो उस तरफ को जाना है हमने, इस तरफ को जगह मतलब मंदिर, वो टॉप में जो पीक दिख रही है वो है, वहाँ जाना है हमने। तो 1:15 चले थे नीचे से, 3:15 का टाइम हो गया है, बहुत आराम से चले हैं। ये हमारी टीम रेस्ट कर रही है यहाँ पे कुछ लोग, तो हम टाइमली वहाँ पहुँचना, अपने डेस्टिनेशन मंदिर में पहुँचना चाहते हैं। और रही बात जात्र की, तो लोग तो जात्र वाले सारे मैक्सिमम वापस हो गए हैं, और चलो माता का आशीर्वाद ऐसे ले लेंगे। बाकी ये आसपास का व्यू, ये इस तरफ को सारी ये भागल वैली लंगेरा वैली, और ये मेरे पीछे इस तरफ को आसपास वाला एरिया है, और इस तरफ को पदरी पास वाला एरिया, और इस तरफ को गढ़माता वाला एरिया। चार बज के 10 मिनट हो चुके हैं, हमें लगभग 3 घंटे होने वाले हैं। और अब वैसे जो लोग आ रहे हैं उनको
बोलना है कि 1.5 घंटे 1 या 1.5 घंटे में आप पहुँच सकते हो, तो मतलब 5 या 5:30 के बीच पहुँच जाएंगे वहाँ पर, अगर कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। अगर ऐसे ही अगर जैसे पहले से चल रहे हैं वैसे चलते रहें तो 6 भी बज सकते हैं। और बस ये रिज है, वो थोड़ी सी हाइक है, मैक्सिमम 1.25 घंटा और हम गढ़ माता मंदिर, शाम होने से पहले पहले तो डेफिनेटली हम वहाँ पहुँच जाएंगे। गढ़ माता से पहले ये माता का प्रकट स्थान जहाँ से माता प्रकट हुए हैं, यहाँ पे माता त्रिशूल से प्रकट हुए थे चामुंडा माता, और ये है, और यहाँ से थोड़ी अभी धुंध पड़ गई है, ऊपर को बस लास्ट हाइक रही है, फिर हम उसके बाद गढ़ माता टेम्पल पहुँच जाएंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य है, गढ़ माता मंदिर सलोनी तहसील डिस्ट्रिक्ट चंबा, और ये देखिए आसपास का व्यू कितना सुंदर नज़ारा है। तो गाइस ये है गढ़ माता का मंदिर, अभी मैंने यहाँ पे आशीर्वाद माता का ले लिया है। ये है माता का मंदिर, चामुंडा माता आप सबको अपना आशीर्वाद दे, आप सबकी तरक्की और आपके जीवन में खुशहाली लाए, जय माता दी। काफ़ी सुंदर व्यू है, और ये माता के सामने ये बहुत सारे त्रिशूल हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं तो त्रिशूल चढ़ाते हैं। तो आज थोड़ा बहुत जो मंदिर में पूजा पाठ था वो हुआ, और उससे ज़्यादा यहाँ पे मेले जो मेले का आयोजन होता था वो नहीं हुआ। हम वैसे काफ़ी लेट हो गए, हम 6 बजे पहुँचे किलोड़ से, हम पूरे 1:15 बजे चले थे और यहाँ पे से 6 बजे पहुँचे, तो 4.25 घंटे लगे। ये गढ़ माता का मंदिर जो कि चामुंडा माता को समर्पित है, कि चंबा के राजा पृथ्वी सिंह ने गढ़ माता मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा एक बार किसी दूसरे राजा की कैद में थे, तो उन्हें तो माता ने सपने में आकर उन्हें मंदिर बनाने के लिए कहा, तो राजा ने जेल से छूटने के बाद सबसे पहले चंबा ना जाके यहाँ पे अपना डेरा लगाया, जिसे आज हम राजा का डेरा बोलते हैं, जो मंदिर से जस्ट थोड़ा सा नीचे है। राजा ने सबसे पहले आके मंदिर का निर्माण किया है। तो ये है गढ़ माता मंदिर का इतिहास, काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है। चंबा के राजा श्री सिंह ने यहाँ पे एक किला बनाया था जिसका नाम था गढ़, उसकी जगह ये ग्राउंड बना दिया गया है जहाँ पे जात्र का आयोजन होता है। तो ये है गढ़ माता का खूबसूरत मंदिर, जो कि एक खूबसूरत जगह पे बसा हुआ है। पानी का प्रबंध किया, यहाँ पे पानी नहीं था, फिर थोड़ा नीचे जाके हमें थोड़ा डाउनहिल में जाके नीचे में पानी मिला, और पानी लेके आग जला के फिर हमने अपना अभी डिनर तकरीबन रेडी कर ही लिया है, और इसके बाद बस अब रेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे, गुड नाइट, टेक केयर। गुड मॉर्निंग गाइज एंड जय माता दी। तो गाइज ये जो आपको सामने दिख रहा है मंदिर, ये है गढ़ माता का मंदिर। कल शाम 6 बजे हम गढ़ माता मंदिर पहुँचे थे, और थोड़ा सा आगे ट्रैवल करके 15-20 मिनट हम यहाँ पे इस जगह में पहुँचे। ये देख लीजिए आसपास की लोकेशन, बहुत ही सुंदर जगह है। हमें 5 घंटे लगे किलोड़ से गढ़ माता पहुँचने में, जो कि अगर आप नॉर्मली चलते हो तो 3 से 4 मैक्सिमम 4 घंटे लगते हैं। हम काफ़ी आराम से आए, कितने
काफ़ी हमने कई बार हमने रेस्ट किया और इस तरफ से ये कहाँ सर? ये गढ़ माता है। हाँ जी जी, इसके नीचे ये पड़ता है हमारा जेंट का। अच्छा सर, अच्छा, इसको बोलते हैं ब्लू कोट द्वारी है। ब्लू कोट नीचे पड़ गया ये भंडार गांव। अच्छा अच्छा सर, ये भंडार गांव है सारा नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सामने आपको दिखाई देता है पूरा भंडार गांव। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नीचे को इस तरफ बनी तहसील पड़ती है। अच्छा, इस तरफ को, इस तरफ को ये बनी तहसील है नीचे। हाँ जी जी, पास सामने ये जोड़े माता मंदिर है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा का भी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का भी बहुत मशहूर, यहाँ का आना जाना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा, नवरात्रे में इसका बहुत जहाँ लंगर लगा रहता है। जोड़े माता मंदिर। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। 9 दिन वहाँ लंगर रहता है। बिल्ला शाह आते थे, बनी के मशहूर शाह थे। अच्छा अच्छा, वहाँ कमेटी है, वहाँ लंगर लगता है 9 दिन, बहुत लोग आते हैं। अच्छा अच्छा, पहले आप लोग चंबा से भी आते हैं, वो जम्मू से भी आते हैं, हर स्टेट से आते हैं। हर स्टेट। अच्छा सर, तो इस धार के बारे में बताएंगे कि इस तरफ को आगे को कौन सा एरिया पड़ता है जो ये सर ये है चली धार। ये चली धार है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। चली धार पड़ गई, इसके पीछे पड़ गया सिरगढ़। सिरगढ़ श्री माता है। सिरगढ़, सिरगढ़ वहाँ पे कोई मंदिर है? मैंने मंदिर है, मंदिर मशहूर मंदिर है, मशहूर सिरगढ़। सिरगढ़, हाँ। अच्छा अच्छा, सिरगढ़ बहुत टॉप पे है। ये टपा टॉप जो चली धार का दिखाई देता है, 3 घंटे लगे इससे ऊपर ना। तो शिव जी का मंदिर है। अच्छा, हमारे बुजुर्गों से सुना था कि कभी आए थे ना ये शिव जी कैलाश गए है ना। हाँ जी, तो श्रीनगर से आए, श्रीनगर से आए थे, तो यहाँ उन्होंने बास किया था। आज इधर जात्र होती है, इधर भी जब कैलाश जात्र होती है ना। हाँ जी, मणिमहेश कैलाश जात्र होती है, इधर भी मनाई जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन खूबसूरत जगह है यहाँ का? शिव, शिव मतलब यहाँ पे मंदिर है ऊपर। हाँ मंदिर है। अच्छा, नाम है कुछ जगह का? पाटका इस टोप पे जो हिल पड़ा है, बड़ा हिल दिखाई देता है। अच्छा, तो एक शिव मंदिर है यहाँ पे और एक सिरगढ़ माता का मंदिर है जो कि इससे भी थोड़ा पीछे है। हाँ जी, 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का रास्ता है। तो गाइज, आप अगर गढ़ माता आते हो तो यहाँ से आगे भी थोड़ा जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी ग्रीन वास्ट मेडोज है। इसके एक तरफ लंगेरा और भांदल का एरिया पड़ता है और इसके दूसरी तरफ कुछ एरिया जेएनके का पड़ता है और कुछ एरिया आपका लेफ्ट तरफ को चंबा का पड़ता है। तो यहाँ से कंप्लीट 360 डिग्री का व्यू है, मंदिर है, और हम थोड़ी देर में शायद अब ये जो पीक है ऊपर तक जाएंगे और उसके आगे का व्यू आपको दिखाएंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, सुबह के 10 बजे हैं और मैं अपनी कैंपिंग साइट से थोड़ा सा आगे चल के यहाँ ये देखिए एक धार में पहुँच गया हूँ। इसकी लोकेशन देखिए, बहुत ही सुंदर जगह है। ये धार जम्मू में पड़ती है और इस तरफ को एक यहाँ पे एक शिव मंदिर है और ये रहा इस तरफ को कैलाश कुंड का एरिया। और ये देखिए आस पास का व्यू, ये नीचे भांदल वैली। गढ़ माता से 20 मिनट की दूरी पे हमने अपना टेंट लगाया था जिसका नाम है चली धार, और मैं उससे आधा पौना घंटा और आगे चल के एक रिज लाइन पे ही, उसी रिज लाइन पे आके बढ़ के यहाँ पहुँच गया हूँ। और ये धार, इस धार का नाम भी चली धार है जो कि जम्मू में पड़ती है। और इस तरफ को एक सिरीगढ़ माता का मंदिर है, ये जो आपको हिल दिख रही है जो कि जम्मू में ही है। ये सारा एरिया जम्मू का ही आ गया। इस तरफ को आपका राइट तरफ को डोडा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, लास्ट कौन का एरिया ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, भद्रवा लेस, और इस तरफ को आपका कठुआ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इस तरफ को जो भी बेल्ट है ये नीचे बनी की बेल्ट है। और मैं आया हूँ इस तरफ से, हम आए इस तरफ से चंबा डिस्ट्रिक्ट का। इस तरफ को है गढ़ माता का मंदिर, इस तरफ को है, और ये एरिया भी चंबा का ही है, ये सारा चंबा का है। और उस तरफ को पुदरी पास है, उसके लेफ्ट तरफ जम्मू का एरिया है और राइट तरफ थोड़ा एरिया है ये सारा आपका लंगेरा संगनी बादल बिहार का भी एरिया है, और इसके पिछली तरफ लेस का एरिया है जो कि जम्मू में पड़ता है।
गाइस ये था गढ़ माता ट्रैक। अगर आप भी गढ़ माता विजिट करना चाहते हो, अगर आप चंबा से आ रहे हो या डलहौजी से आ रहे हो, तो इसके लिए तीन रूट्स हैं, एक वाया तेलका, एक वाया सलूनी और एक वाया बादल। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो सब्सक्राइब जरूर करना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे फिट। बाय बाय।